अच्छा 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 राइट ओके 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 सर। हाँ जी जी जानती हैं आप सर हाँ जी रिक्वेस्ट है छोटी सी, हाँ जी सब लेक्चर जैसे ही खत्म होना तो फौरन भेज दिया करें, पूरा वीक लेक्चर मांगते रहे सर, किसी ने नहीं, लास्ट लेक्चर का एक लेक्चर भी नहीं मिला सर। एक लेक्चर भी नहीं मिला। ग्रुप में इतने मैसेज किए, ज्यादा मैसेज ही एक मिनट नहीं था। प्लीज प्लीज इधर ध्यान दें, सर्दी है, नमूनिया हो जाएगा। अच्छा तो आप लोग का बैच 36 है। यार उसका मैं करता हूँ कुछ। और आज 15 जनवरी, एमबी कोड स्पेस सर डॉट। अच्छा कुछ साथ में सवाल जो आप हो जाए, अंदाजा हो जाए कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था और किसको कितना याद है। हाँ जी इंडेक्स डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और साथ में इंडेक्स डॉट सीएसएस। फंक्शन नहीं पढ़े थे ना। पढ़ लिए एक जवाब दें यस या नो। इंट्रो इंट्रो डन हो गया। जस्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस दिन, फंक्शन को कितनी तरह से लिखते हैं ये पढ़ा था। ओके अच्छा जी नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट जे एस और साथ में ही हमें फाइल लिंक कर देंगे डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस। हाँ जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ सवाल आते हैं जी। हम एक ना कंसेप्ट अभी जो पढ़ रहे हैं ना, नाउ आर डेज वी आर डिस्कसिंग डॉम। हम ना जो कुछ डिस्कशन जो भी करते हैं ना डॉक्यूमेंट की, वो एक होता है डॉम होता है। उस दिन मैंने आप लोगों को शायद बताया हो। हाँ जी नहीं डॉम क्या होता है ये सवाल इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज डॉम। और डॉम दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्चुअल डॉम और एक होता है एक्चुअल डॉम। ठीक है तो ये जो डॉम लिखा हुआ है ये मेरे पास एक एक्चुअल डॉम है। और डॉम होता क्या है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉम डॉम। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इधर जाते हैं इस वेबसाइट पे W3 स्कूल के अलावा देख लिया करें, वो उन्होंने कोई डिटेल वो नहीं सही दी होती है। अच्छा यहाँ पे इसको पढ़ें जरा, डॉम क्या होता है। ओके कुछ लोगों को इश्यू हो रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ जी अगर इंग्लिश वीक है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये बात है। अच्छा डॉम जो है ना ये क्या है जी, यहाँ पे एब्रीवेशन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। और एक डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मॉडल होता है। मॉडल हम किसको कहते हैं नॉर्मली, आप ही बताएं मॉडल किसको कहते हैं आप।
आप बोले ना, आप तो गहरी सोच में चले गए किसी में। हाँ जी, व्हाट इज डॉम? और कोई नहीं बताएगा इससे मैं पूछता हूँ। हाँ जी भाई बताएं, मॉडल क्या होता है? मॉडल आम लफ्जों में आपके जहन में क्या है, मॉडल का मीनिंग है? मैं किससे पूछ रहा हूं भला, सर, आपसे। यस सर। तो डॉ ये जो मॉडल है इसका क्या मीनिंग है आपके दिमाग में, इमेज एक बना हुआ? अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मॉडल किन को कहेंगे? स्ट्रक्चर जो किसी चीज को डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब करे। ओके ओके ओके, नाइस, गुड आंसर। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम को ना एक कहते हैं जी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे पहले तो हम इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। आपके पास ये HTML की फाइल है, अब इसको मैं ना यहाँ पे गो लाइव करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको गो लाइव करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास ये इधर विजिबल है, मुझे नहीं है, लेकिन ये जो HTML की फाइल है जब वो ब्राउजर पे जाती है तो वो तब उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारे पास HTML की फाइल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, डॉक टाइप लिखा हुआ है ना इसमें, अगर आप देखें तो डॉक टाइप लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये HTML का डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब ये पूरा एक डॉक्यूमेंट जो होता है इसको जब हम यहाँ पे ब्राउजर पे रीलोड करते हैं तो तब इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, तब इसकी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक तरह जिस तरह वो एक आप किसी भी फैमिली का लिखते हो, बाप दादा उसके बाद उसके बच्चे, ये सारी आप एक चेन बना देते हो, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे भी इस फाइल का भी जब ये यहाँ पे ब्राउजर पे ये रीलोड होती है तो उसके बाद इसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। और उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों ने देखना हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये आपके पास एक ये एक्चुअल है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखें कि ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें HTML एलिमेंट जो है वो एक रूट है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हेड क्या है, हेड भी एलिमेंट है उसमें, बॉडी भी एक एलिमेंट है, और उसके बाद टाइटल भी एक एलिमेंट है, और टाइटल के अंदर जो है कुछ उसके अलावा href आएगा, एट्रीब्यूट आएगा, एंकर टैग भी एक एलिमेंट है, और यहाँ पे उसके अलावा कोई लिंक वगैरह लगाते हैं तो वो सारे उसमें जो है वो टेक्स्ट वगैरह आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह, ठीक है ना। और ये हर एक देखिए, अब एक चीज मैं अगर आपसे सवाल एक पूछूं, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा? मैं एक दफा दोबारा भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि लाइक दैट, व्हाट इज योर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट अहमद, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस तरह करके हम लिखते होते हैं, यहाँ पे नेम आएगा, उसके बाद एज, उसके बाद एजुकेशन। मैं बेफाम थोड़ी बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो एक्चुअली ऐसे ही लिख रहा हूँ यार। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के अलावा हम यहाँ पे इसमें कुछ जो है एड्रेस, नारों यार यही रहने दे भाई, फिर बात वही पे आ जानी है फिर। अच्छा, ये मेरे पास देखिए ये क्या है, एक ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ये जो नेम है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हमने सारी ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे हमने सारी लिखी है। और यहाँ पे अगर यही सवाल मैं आपसे अगर इधर जाकर पूछूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ये जो रूट HTML है ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे इसके ये जो है चाइल्ड है, इसके उसके एट्रीब्यूट आप समझ लोगे, उसके अंदर वो सारी चीजें कवर है।
और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, इस टाइटल की बात करूं, तो टाइटल भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टाइटल के अंदर भी कुछ है, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम आसान लफ्जों में अगर ये कहें कि HTML कि जो फाइल है ना, जब वो ब्राउजर पे रीलोड होती है, तो उसका हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अरे है हमारे पास वो भी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट कह नहीं सकते हैं उसे स्पेशल नहीं कर। नहीं अरे जो है वो कलेक्शन है, एक डाटा टाइप का कलेक्शन है। अरे खुद एक डाटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव है, और उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट एक खुद नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है ना। तो लेकिन उसके अंदर जो है अरे के अंदर है, अरे सिंपली डेफिनेशन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं अरे के अंदर, तो अरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं हम। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखते तो उसमें मल्टीपल नंबर रख सकते हैं, उसके अलावा नंबर नहीं रखते तो हम मल्टीपल उसमें स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिंग हेयर इज अ स्ट्रिंग का उस दिन सवाल आपने पूछा भी था आई थिंक, हाँ। तो वो प्रिमिटिव में आता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अगर हम बात करें तो, लेकिन अभी अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस में बात करें तो वो नॉन प्रिमिटिव में चला जाता है। इज इट ओके? ओके अच्छा, तो यहाँ पे एक अहमद रजा भाई, ये एक मॉडल लग रहा है आपको, ये एक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो मॉडल, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज डॉम, तो अब आप इसको बता लेंगे डॉम क्या होता है। सर हाँ जी, कर तो आप यहां पे अगर इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? सर आप बताएंगे इसकी डेफिनेशन, आसान सी। अब क्या डेफिनेशन बनेगी, अपने लफ्जों में बतानी है। मैंने पूरा आपको बता दिया है कि मामला क्या है, डॉम है क्या। अगर डॉम की समझ नहीं आई तो मैं इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर नहीं, एक मिनट में कर देता हूँ, लेकिन जरा मैं उनसे पूछ लूँ। करना डॉम को अगर कंप्लीट बताएं तो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मतलब कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाया है तो उसको रिप्रेजेंट करना, जैसा कि हम HTML में कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं साहब, आंसर सही कर रहे हैं ये। सही कर लिया, लेकिन वो ये कह रहे कि यानी कि पूरी जो हमने HTML की फाइल बनाई है शुरू से लेकर एंड तक, तो वो सारा जो है वो डोम ही कहलाएगा, यानी कि इसमें जो हम ऐड करते रहेंगे एट्रीब्यूट एंकर हेडिंग वगैरह, तो वो आगे से मतलब कि पूरी फाइल को जो है ना डोम कहेंगे। पूरी फाइल को तो हम डॉम कहेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपकी बात एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम इसको मजीद कहें ना, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि HTML की फाइल जो होती है ना, उसकी जो एक्चुअल शेप होती है ना, वो डॉम कहलाती है। कहाँ पे एक्चुअल उसकी शेप बनती है? देखें, हम HTML में तो हम वो बस उसको एक उसके टैग वगैरह को देख रहे होते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल उसकी जो पिक्चर होती है, जो ब्राउजर पे जाकर बनती है, उसको हम डॉम कहते हैं। ये वेरी शॉर्ट डेफिनेशन है उसकी, ठीक है ना। द एक्चुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML फाइल ऑन द ब्राउजर इज कॉल्ड डॉम। डॉम, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, मैं दोबारा बता देता हूं कि HTML की फाइल है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसकी एक स्ट्रक्चर, इसकी शेप इस तरह से ये बन रही है। लेकिन जब अगर हम ब्राउजर पे देखेंगे, तो ब्राउजर पे इसकी शेप जो बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये जो है, ये क्या है हमारे पास, एक डॉम है। ये क्या है? अच्छा डॉम है, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि एक्चुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML फाइल ऑन द ब्राउजर इज कॉल्ड डॉम। अब डॉम में फिर आप अगर वो पूछे, इसकी मजीद डेप्थ में चला जाए, तो आप उसको बता दें जी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, कि HTML की फाइल जब ब्राउजर पे रीलोड होती है, तो उसका हर एक जो एलिमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है।
ऑब्जेक्ट क्यों बनता है, आप उसको ये बताओ कि ऑब्जेक्ट इसलिए बनता है क्योंकि आप देखें तो एक एचटीएमएल को देखें तो वो एक उसकी पेरेंट है, वो उसका रूट है, तो उसके अंदर सारे ये उसके ऑब्जेक्ट है, मतलब वो एक खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर सारे ये उसके क्या आ जाते हैं, एट्रीब्यूट आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाई तो है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसके एट्रीब्यूट आते हैं ना, मल्टीपल उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी लिखा जा सकता है, मेथड पढ़ाया था मैंने। हाँ जी ओके। तो यहाँ पे अगर मैं एक मेथड लिख दूं ना, यहाँ पे एक फंक्शन लिख दूं, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिख दूं ए बी सी एड के नाम से, ठीक है ना, फंक्शन हियर और इस वन इज हियर, अगर यहाँ पे इसमें मैं एक फंक्शन लिख दूं ना, तो ये फंक्शन जो मेरे पास होगा, ये फंक्शन यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक मेथड कहलाएगा। जब भी किसी फंक्शन को आप जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हो, मतलब मिला देते हो, तो वो क्या हो जाता है, मेथड बन जाता है जी। ठीक है जी, पॉइंट ये क्लियर है। ओके, अब मेरा ख्याल ये है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब ये डॉम के जितने भी ये एलिमेंट आते हैं ना, इन सारे एलिमेंट को हम जावास्क्रिप्ट में टारगेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं जी, डॉम अगर मैं डॉम की समझ आ गई आप लोगों को, अब अगर हम आए यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन की तरफ आए, डॉम मैनिपुलेशन की तरफ आए, तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है आप बताएंगे शहजाद भाई। हाँ जी क्या, HTML आप एलिमेंट आसान लफ्ज़ों में बताएं। हाँ जो HTML के वो होते हैं उनको जी, मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉम मैनिपुलेशन। नहीं आप आसान लफ्ज़ों में बताएं ना, एक नॉर्मल इस अंदाज से बताएं कि सबको समझ आ जाए, वो एचटीएमएल को छोड़े आप मैनिपुलेशन का मीनिंग बताएं। ईशा मैनिपुलेशन क्या होता है, मैं डॉम के हवाले से नहीं पूछ रहा, मैं नॉर्मल लाइफ में हम मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या समझते हैं, कि क्या मतलब इसका होता है, मैं वो पूछना चाह रहा हूं। नो आंसर मुजम्मिल, तो सर मैनिपुलेशन का मतलब जो यार एक मिनट यार पूछने तो दे मुझे। तुबा, मल्टी हाँ जी हाँ जी जी भाई, आप बताना चाह रहे हैं मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। हाँ जी मतलब उन्होंने बात जो है ना वो की है, लेकिन 100% वो एक्यूरेट नहीं है। कौन और आप बताएंगे शबाब, अहमद रजा, निदा, क्या कंट्रोल समथिंग कुछ इस टाइम में सर बात, मिस आप बताएंगे सर। मैनिपुलेट तो मतलब ये होता है किसी को उसके रास्ते से हटा देना अपनी बातों में ले आना वो तो मैंने एक मीनिंग पूछा है ना, जो जिसके जहन में उसने वो बताना है ना उसका एक जो है। यही भरा होगा किसी को मैनिपुलेट कर देना यानी कि अपनी बातों में उससे ले आना तो उसके रास्ते हेरा फेरी, ये किसने बोला है। हाँ ये चीज है, ये सही है, मीन्स आपने भी आंसर ठीक किया है। मैनिपुलेशन मतलब होता है चेंजिंग करना, कुछ तब्दीलियां करना। अच्छा अब तब्दीलियां हम जो है ये डॉम है, तो डॉम में हम चेंजिंग किस तरह कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ना ये जो डॉम है इसकी आप मैनिपुलेशन करेंगे, अब मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पे हम ना एक हेडिंग लिखेंगे इसमें। तो मैं सवाल पूछता हूँ, तो सवाल से थोड़ा सा मैंने नोटिस करता होता है, सवाल का आंसर खबा आसान ही हो, लेकिन मैं स्टूडेंट को भी नोटिस करता हूँ कि ये कितना का दिमाग यूज करता है।
और क्लास में मैंने नोटिस कर लिया कि आपकी क्लास में तकरीबन तकरीबन जो है ना 7-8% लोग जो दिमाग को ना यूज करते हैं, बाकी जो है ना वो महफूज करके उन्होंने रखा हुआ, जैसा कि किसी को डब्बा पैक करके ना दे देना कि ये ले जाएंगे। हाँ तो प्लीज दहेज दहेज में देना है उनको। हाँ जी भाईजान, ये जूते ही पड़ेंगे बाद में फिर, अगर दे देंगे ना दिमाग उधर तो फिर आपका लाई ऑफ है, ना पड़ोसी रिकॉर्डिंग करेंगे ना फिर। लाइफ आप ना सिंगल लाइफ हो या इसके बाद जिस नेक्स्ट जो है ना प्रोसेस में लाइफ का एक स्टेप है उस मरहले में दाखिल होना होता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप अपना मेयार कभी भी ना गिराओ, आपका लाइफ पार्टनर है उसके सामने भी अपना मेयार ना गिराओ, नहीं तो एट द टाइम जिंदगी में काफी लम्हात आते रहते हैं, अगर आपने मेयार गिराया ना तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपको किक मारेगा और निकल जाएगा। सीधी बात है, आप अपना मेयार कभी भी ना गिराओ, आपका जो रूल है ना आपने जो बनाया हुआ है ना वो ही कायम रखो, ताकि दूसरे को पता हो कि अगर इसके ये जो अपनी बात का पक्का है, अगर मैंने गलत बयानी की इसके साथ तो उसका मीनिंग गलत निकलेगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरह के रूल बना के रखेंगे ना, खवा मेल हो खवा फीमेल हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये आपने अब अपने लाइफ के कोई रूल सेट नहीं किए ना तो समझो आपको कोई किसी खाते में गिनेगा ही नहीं, समझ आ रही है। इज्जत आपने अपनी खुद करवानी है, तो लिहाजा ये है कि आई से नोटिस कर लें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको कायम रखनी चाहिए। क्या ख्याल है, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो कोई कमेंट पास भी कर सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं सही भी कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी सोच के हिसाब से जो मुझे चीजें मैंने नोटिस की है ना वो मुझे मैंने वो बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं वेलकम, और ये जो हेडिंग है हम इसको क्या जावास्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं, इसमें मतलब ये है कि इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छा HTML के पूरे फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के बाद लिखूं डॉट, तो मतलब समझो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी इसमें अगर मैं जाऊं HTML फाइल में तो यहाँ पे इस हेडिंग को मैंने कोई क्लास दी है, कोई आईडी दी है, अभी ये एलिमेंट ही लिखा हुआ है ना, अगर इस पूरे एलिमेंट को मुझे गेट करना हो तो मैं किस तरह गेट करूंगा, यहां पे जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब यहां पे नोटिस करें, जब मैंने गेट लिखा तो गेट के बाद उसने क्या कहा है, मुझे नीचे ऑप्शन दे दी है कि आप HTML की फाइल में चेंजिंग करनी है ना तो किस तरह से कर सकते हैं, आईडी के जरिए भी कर सकते हैं, क्लास नेम के जरिए भी कर सकते हैं, मिस प्लीज नेम के जरिए भी कर सकते हैं, टैग नेम के जरिए भी कर सकते हैं, और यहाँ पे टैग नेम NS के जरिए भी कर सकते हैं जी, लेकिन NS को छोड़ें आप, ये तकरीबन आप ना ये चार यूज करेंगे, तो बाई एलिमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। सिलेक्टर हाँ जी, उसमें तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, बाई नेम एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई नेम, ठीक है, बाई आईडी भी आ सकता है, बाई क्लास नेम भी आ सकता है, बाई नेम भी आ सकता है, बाई टैग नेम। अब टैग नेम, उसका टैग का नेम क्या है, H1, ठीक है जी। अब आपने इसमें देखना है कि अगर इसको हम एक वेरिएबल में पैक करें, यहाँ पे लिखूं मैं लेट ABC, और यहाँ पे अगर हमने इसको प्रिंट करें तो प्रिंट करने से हमसे मेरे पास क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर मैं ABC लिखूं
और इसको मैं चेक करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है। हमने इस फाइल को गो लाइव किया हुआ है ना यहाँ पे, और ये वेलकम लिखा हुआ आ गया मेरे पास। अब जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे मेरे पास उसने क्या दिया आंसर मुझे, HTML collections, और HTML collection में वो मुझे बता रहा है कि ये एक हेडिंग वन है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी क्या है, वन है, और ये प्रोटोटाइप मैं जिससे पूछूं जरा वही बताएगा। अरसलान आपसे ही पूछते हैं यार, जिससे प्रोटोटाइप क्या होता है। हुए ये पॉइंट मैंने क्लास में बताया हुआ भी है, ये आप मिस बताएंगी, आपके साथ जो ईशा आपके साथ जो बैठी है। हाँ जी अच्छा लिखा अच्छा हाँ जी आप बताएं, प्रॉपर्टीज। आप बात एक्सप्लेन करनी है कि समझ आ जाए, इस तरह नहीं, खुद को नहीं समझानी। फैमिना नो आइडिया आप। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है। इसका प्रॉपर्टीज यजदान प्रॉपर्टीज जिसमें हाँ, प्रोटोटाइप फंक्शन होते हैं। डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आप मिस आप नो आइडिया। अच्छा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि जिस तरह कोई भी एक फैमिली का एक मेंबर होता है ना, तो वो अपनी फैमिली से विरासत में कुछ चीजें गेट करता है, ठीक है ना, जिस तरह इनहेरिट करता है वो, तो विरासत में उसको मिलती हैं। तो यहाँ पे HTML जो है, यहाँ पे ये जो अभी हमने टैग गेट किया है ना, ये उसके साथ जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, हम जो जो उसके साथ यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, जो उसको विरसे में मिली है, जो विरसे में जो भी मिलती है ना, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखूँ ना, तो ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे प्रोटोटाइप आएगा कुछ उसमें। यहाँ पे अगर ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास लिखा हुआ है, अरे की सूरत में भी प्रोटोटाइप आएगा। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कुछ चीजें हो सकती हैं जो उसको विरसे में मिली हैं, ठीक है ना, जो जो मतलब उसके साथ प्रॉपर्टी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसमें चेंजिंग करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसकी कोई भी प्रॉपर्टी में अगर इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका आंसर अभी देख लेना, इसके साथ भी जो है वो बताएंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अहमद लिखेंगे हम। और यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल पे देखें, तो अब यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कंसोल में देखा, और ऑब्जेक्ट नीचे उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने उसको नहीं बताया, वो खुद बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसको प्रोटोटाइप वर्से में क्या क्या चीजें इसके अंदर है, टू स्ट्रिंग है, वैल्यू ऑफ है, ठीक है ना, और इसके अलावा भी यहाँ पे यहाँ पे ये कह रहा है लोकल स्ट्रिंग भी ये इसमें यूज हो सकता है, इस प्रोटोटाइप ऑफ भी यूज हो सकता है, और यहाँ पे हर कंस्ट्रक्टर के अंदर इतनी मजीद उसने प्रॉपर्टीज मुझे बता दी है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसमें वो मुझे डिटेल और भी बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी है जी, ठीक है, इसका नेम क्या है जी, ठीक है ना, और इसके अलावा भी इस पे बाद में हमने ना एडवांस लैंग्वेजेस में जो जो भी चेंजिंग करनी होगी ना, हम ये प्रोटोटाइप में जाकर उसको देख के हम उसके अंदर जो है ना चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे एंट्रीज भी बताई हुई होंगी, ठीक है ना, आप यहाँ पे एंट्रीज में जाएं, आर्गुमेंट्स में जाएं, यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इस पे जाऊँ, हर एक में जाए, मतलब ये है कि इन चीजों को हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन ये देखना बाइंड लिखा हुआ है, कार लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हमने बाद में किसी एडवांस लैंग्वेजेस में इनको यूज करना है, ठीक है ना। अभी इसलिए बताने का मतलब ये है कि आपके जहन में कुछ ना कुछ एक जो है ना छोटी मोटी इमेज बन जाए इसकी, कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि जो उसको विरसे में कुछ चीजें मिलती हैं, मतलब जो कुछ उसके ऊपर चेंजिंग हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना, इनको यूज करते हुए, तो ये सारी प्रोटोटाइप में आ जाती है, ठीक है ना। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट जो है, ये प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये गेट किया HTML को, अब HTML को हमने यहाँ पे गेट कर लिया, इसको प्रिंट नहीं करवाना था, हमने जस्ट एक प्रोटोटाइप को देखना था, ठीक है ना। अब ये जो चीजें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना, रिएक्ट में आप लोगों को इसकी एक्चुअल समझ आएगी कि हमने कितना कुछ काम किया है और उसका क्या यूज केस है जी, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ पे मैंने इसको तो गेट कर लिया यहाँ पे। अब गेट करने के बाद यहाँ पे मैं अगर ये लिखूं ABC. अब ABC मैंने लिखा और डॉट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो डॉट पे लिखने से अब उसने मुझे ये बता दिया ये खुद एक ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। लेकिन मैं पहले एक आपको बता देता हूँ, इस पे अगर मुझे कोई क्लास इंप्लीमेंट करनी हो तो अगर मैं इसमें कलर कर दूँ तो यहाँ पे अच्छा डॉट, अच्छा यहाँ पे अगर मुझे चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ ABC.style इज इक्वल टू नहीं यहाँ पे नहीं, बल्कि हम पहले सबको गेट करके चेक कर लेते हैं। इसके बाद मैं अगर एक और इसको यूज करूँ Ctrl+C और यहाँ पे कंट्रोल मैं वी कर देता हूँ, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे ABC की जगह मैं AB लिख देता हूँ और यहाँ पे टैग नेम को मैं चेंज करूंगा और उसको मैं कुछ क्लास नेम भी दे दूंगा। इसको यहाँ पे गया, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ। पहले आप लोगों को आइडिया हो जाए डॉम मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है। हम जो है ना क्लास नेम, और क्लास में मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कुछ भी PK लिख दिया, ठीक है ना। और अब यहाँ पे जाएंगे डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और क्लास नेम में हम ये कर लेते हैं काम इसमें ये, और क्लास नेम में उसका क्लास का नेम क्या रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंसोल करें, अब AB की जगह पे मैं अगर AB लिखूं ABC की जगह पे, अब मैं इसको कंसोल करूं तो अब मुझे यहाँ पे क्या बताएगा। अब यहाँ पे डॉट PK उसने बता दिया है कि उसके अंदर जो क्लास है वो क्या है, डॉट PK क्लास है उसके अंदर जी, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे उसने कुछ प्रोटोटाइप बता दिया है। तो अब यहाँ पे सिंबल क्या है, उसने कहा ये HTML एक कलेक्शन है। अब क्लास भी उसने मुझे ये बता दिया। अगर इसके बाद अगर मैं आईडी को यूज करूं तो आईडी का मतलब क्या होगा, आईडी का मतलब यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसमें 6 मिनट हो गए, ओ टाइम तो बहुत हो गया। अच्छा अब मैं इसको जाकर ना कुछ आईडी दे देता हूँ, Ctrl+C किया और यहाँ पे इसको मैंने Ctrl+V कर दिया और यहाँ पे इसको मैं क्या यूज कर सकता हूँ इसमें आईडी, और आईडी भी मैंने उसको PK ही दी है। और यहाँ पे जाएंगे इसको, अब हम इधर जाकर ABC ABB कर देता हूँ मैं, और डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे ये आ गया। और आईडी आपने क्या दिया उसको, PK दिए, ठीक है। और अब यहाँ तक देखें, अब यहाँ पे इधर देखें तो मेरे पास अभी आंसर उसने एक ही दिया है, दूसरा तो दिया ही नहीं है। नीचे यहाँ पे उसको मैंने कंसोल नहीं करवाया था। यहाँ पे जाएं तो इधर जाएं तो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, आईडी के साथ हम क्या यूज करते हैं हैश, और क्लास के साथ क्या यूज करते हैं डॉट। तो अभी जो है टाइम हो गया है 7 मिनट, और यहाँ पे इसको हम यूज करते हुए जस्ट मैंने इतना सा थोड़ा सा बताया है, इसको हम यूज करते हुए बाद में हम कुछ स्टाइल वगैरह भी चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें, उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। डॉट इनर डॉक्यूमेंट उसमें आता है, इनर HTML सॉरी आता है। तो ये सारी हम चेंजिंग करेंगे ये कल पे बात, ये कुछ करें एचटीएमएल में चेंजिंग करने के लिए, जैसे जब हम हम सीएसएस में जाकर एचटीएमएल को करते थे, स्टाइल करते थे, अब हम वो चीज जावा में करें, इसलिए ये सारा मैनिपुलेशन हो जी रहा जी जी बिल्कुल ऐसे ही, है। मतलब ये है कि हम HTML की फाइल में हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है और ये ना। सारी जो चेंजिंग होगी ये मैनिपुलेशन में आएगा। हाँ जी ये मैनिपुलेशन में आएगी। आपका सवाल, विंडोज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट विंडोज, ऑब्जेक्ट मॉडल विंडो, अच्छा हाँ इन्होंने सवाल पूछा, एक विंडो होता है यहाँ पे अगर मैं देखू ना तो एक विंडो है, तो विंडो जो है ना कुछ हमारे पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं कि जो हमें नहीं लगते हैं कि ये इनके साथ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन ये इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, इनके साथ ना वो परी एक परी डिफाइन होते हैं पहले से ही, इनके साथ ऑब्जेक्ट जो है ना वो एसोसिएट होता है, ठीक है ना। जिसका मतलब ये है कि वो भी हमें इसका नहीं आइडिया होता। अब यहाँ पे देखो इसमें मैंने इसको खुद यहाँ पे मेंशन किया,
जो प्री डिफाइन होंगे ना मेथड, वो ऑलरेडी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होंगे, जो प्री डिफाइन होंगे। जो हम एक खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो हम तो डेफिनेटली हम उसको तो फिर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको एसोसिएट खुद ही करेंगे ना। लेकिन जो पहले से ही कुछ प्री डिफाइन है ना, जिस तरह है विंडो है, विंडो के अलावा कंसोल है, ठीक है ना, कंसोल खुद एक ऑब्जेक्ट है। कंसोल देखो ना, यहाँ पे इस सवाल को अगर हम इधर देखें, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, यहाँ पे ब्राउजर पे जाता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना कंसोल, और डॉट करता हूँ, तो डॉट करके देखो उसके अंदर कितनी चीजें आ रही हैं। हमने तो एक सिर्फ लॉग पढ़ा है, कंसोल खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसी तरह कुछ और भी हमारे पास इस तरह के कुछ जिनको मेथड्स भी हम कह सकते हैं, जो प्रीडिफाइन है। लेकिन ज्यादातर इस सारी इन चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात है आपने सवाल पूछा। यही आंसर था या कोई और आंसर आप पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि उसमें डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या क्या होता है, मतलब आपने सब वो करे ना उसके। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अलावा क्या क्या होता है, जी डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, आप ये पूछे ना। हाँ जी, आप इधर वो करें ना, जिस तरह आपने कंट्रोल किया उस तरह आप वो करें विंडो। जी हाँ अच्छा, विंडो अगर मैंने लिखता हूँ यहाँ पे, तो विंडो में नीचे यहाँ पे वो जो है कुछ उसमें डिटेल बता देता है कि डॉक्यूमेंट का नेम, यहाँ पे ये लोकेशन, ये सारी, ठीक है ना। विंडो डॉट, आप यहाँ पे देखें इसके अंदर, यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें उसने चीजें पहले से सेट की हुई हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे विंडो के अंदर, यहाँ पे इसमें भी उन्होंने काफी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये है कि विंडो हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे। जो यूज मैंने करवाना है, मैंने आपको कंसोल यूज करवाना है, ठीक है ना, कंसोल यूज करवाना है। कंसोल के अलावा मैंने आप लोगों को इवेंट्स बताए थे कुछ, ठीक है ना, इवेंट्स आप लोगों को बताए थे मैंने। और इवेंट्स मैंने क्या बताए थे, इवेंट्स मैंने बताए थे ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ये सारे जो है ना, ये मैंने पढ़ाए थे, ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे जैसे मतलब जो आता जाएगा ना, मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि अभी साथ में अगर यूज केस नहीं पढ़ाऊंगा ना, ऐसे बता दूंगा तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो खैर, अब हमारा जो टॉपिक था नेक्स्ट, ये एक हमने टॉपिक तकरीबन, वो हमने तकरीबन को 50% अभी किया है, लेकिन अभी इसको मैंने काफी मतलब बाकी पेंडिंग में छोड़ दिया है, क्योंकि इसका यूज केस हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ ही मैं कल चीजें सारी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था वो था कि व्हाट इज प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस क्या होता है। सेट टाइम आउट मैंने पढ़ा दिया था। अच्छा एक बात सुनिए, जैसे आपने ऑन क्लिक पढ़ाया है इवेंट, ठीक है, मॉड्यूलर नहीं पढ़ाया, मतलब वो चीजें जो अभी आपने नहीं पढ़ाई वो आप हमें बता दिया करें कि इसमें यही आपने इनका घर से खुद कर कर रहा है, ठीक है, उसका अच्छा आइडिया हमें पहले से हो जाया करेगा, इस तरह हमें पता भी नहीं होगा वो चीजें सारी मिस होती है। जैसे मुझे नहीं पता था कि अभी आपने जैसे बताया ऑन क्लिक ऑन ब्लर है, तो ऑन ब्लर का मुझे नहीं पता था, अगर आप हमें बताते ना कि ये वाली चीजें दो आपने घर से कैसे कर इवेंट्स लेंगे। पहले बताए हुए तो हैं, जब मैं फंक्शन में ये पढ़ा रहा था, तो देखो फंक्शन में, बाकी के इवेंट्स तो मतलब अंदर ही तो आएंगे ना सर। हाँ जी, तो जब हम किसी भी फंक्शन को कहीं पे भी इंप्लीमेंट करना है, तो आप चाह रहे हो उसके बटन पे क्लिक करने पे आप जो इवेंट पास करना चाह रहे हो, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस मैं तो ओवर। ना यही कह रही हूँ कि नेम बस बता दिया मैंने आपसे, उसी से रिलेटेड जो भी चीजें हो रहा ताकि हम गए जाए एक दफा प्रैक्टिस कर अब लें। ये नेम देखें, जब उसका मैंने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, बटन पे क्लिक किया, तभी उसका यूज केस के साथ ही आप लोगों को आइडिया हो। अगर मैं ऐसे बताऊं तो आपको समझ ही नहीं आनी कि इसको यूज कहाँ पे करना है, नहीं समझ आएगी। वो काफी लॉजिकल चीजें हैं, जब तक मैं इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगी। सर अच्छा जी, प्रोमिसेस की बात कर रहे थे हम, प्रोमिसेस क्या होता है। तो प्रॉमिसेज में हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि अगर मैं सिंपल एक फंक्शन ले लूँ ना, यहाँ पे जैसा कि मैंने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम मैंने ऐड रख दिया, और ऐड यहाँ पे ये कुछ मैंने इस तरह से एक फंक्शन बना दिया, और ये कहा मैंने एक फंक्शन की एक डेफिनेशन है, ये फंक्शन की क्या है, एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और ये मैंने कहा ये फंक्शन क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा, क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, न्यू एक कीवर्ड है,
और इसके साथ में लिखूंगा प्रोमिसेस, प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस है, एक ये प्री डिफाइंड वर्ड है, आप इसको पढ़े जरा। ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद वो इक्वल का साइन डाल दिया और वो ग्रेटर देन का साइन सीधा आता है। वो एरो फंक्शन में आता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं अभी सिंपल फंक्शन लिख रहा हूं, मैंने वो तरीकेकार बताया कि आप फंक्शन तीन तरह से लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने ये प्रॉमिस पढ़ लिया है, तो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस के बारे में उसने बता दिया है कि आ कॉल बैक यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्रॉमिस। अच्छा, बात ये है कि प्रॉमिस अभी ना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसा कि विंडो की आपने बात की है ना, तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि अभी आपको एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बात कि किस तरह कोई फंक्शन प्रॉमिस को रिटर्न करता है। बाद में हमने जो भी फंक्शन यूज करने हैं ना, उनके अंदर प्री डिफाइंड पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने प्रॉमिस रिटर्न करना है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ठीक है ना? जब वो प्रॉमिस रिटर्न करेंगे तो हमने उनको यूज किस तरह करना है। अभी सिर्फ एक सिंपल सिनेरियो समझा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन जो है वो जब प्रॉमिस रिटर्न करता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो किस तरह प्रॉमिस रिटर्न करता है। और प्रॉमिस का मतलब ये होता है, प्रॉमिस में हमारे पास अगर वादा करते हैं ना किसी से भी, तो ये वादा वाली बात है। जब आपने किसी से वादा किया, या तो वादा पूरा होगा, या वादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, रिजॉल्व फुलफिल हो जाएगा। तो रिजॉल्व को फुलफिल भी आप कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ज्यादातर रिजॉल्व वर्ड यूज करते हैं उसको, ठीक है जी? तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस। अब ये एक बात समझानी है, ठीक है ना, कि प्रॉमिस रिटर्न करना होता क्या है, किस तरह वो एक सारी एक्टिविटी होती है। हमने ये काम बाद में नहीं करना, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ। बाद में मैं अभी हम उस फंक्शन की तरफ आएंगे जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, बाद में हम उसकी तरफ आएंगे, एक लाइव एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये तो एक मैं ऐसे आप लोगों को समझा रहा हूं। तो अब यहाँ पे प्रॉमिस क्या है? अब यहाँ पे, अब इसमें दो फंक्शन आएंगे। यहाँ पे प्रॉमिस में हमने ये बात की है, प्रॉमिस या तो फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा। तो मतलब फुलफिल के लिए हम रिजॉल्व यूज करेंगे, ठीक है? अब रिजॉल्व, SOL, रिजॉल्व। अब रिजॉल्व खुद एक कॉल बैक फंक्शन है। रिजॉल्व खुद क्या है? एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है ना? ये ऐसी नहीं बात कि इसका मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया तो ये फंक्शन नहीं है। और उसके बाद होता है रिजेक्ट, और रिजेक्ट खुद एक जो है वो भी, ये भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं इस पे ले जाऊं तो नीचे उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये दो आर्गूमेंट लेता है। दिस कॉल बैक इज पास्ड टू आर्गूमेंट, आर रिजॉल्व कॉल बैक यूज टू रिजॉल्व द प्रोमिस विद अ वैल्यू आर द रिजल्ट ऑफ द अदर प्रोमिस। आर रिजेक्ट जो है कॉल बैक यूज टू रिजेक्ट द प्रोमिस विद अ प्रोवाइडेड रीजन आर एरर। तो मतलब ये है कि जो रिजॉल्व है वो आप उसमें कोई मैसेज देंगे, जब आपका फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा ना, तो आपने कोई मैसेज दिया होगा कि जब फंक्शन मतलब प्रॉपर चल जाए, तो उसके बाद क्या मैसेज देना है, तो वो मैसेज आप खुद लिखेंगे। और उसके बाद जो रिजेक्ट है, रिजेक्ट जब आपका फंक्शन चलेगा नहीं, कोई मसला होता है कोई भी, तो फिर उसकी सूरत में अगर आप कोई एरर खुद से देते हो तो वो एरर रिजॉल्व दे देगा आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये दो बातें की गई हैं। अब यहाँ पे इसके बाद मैं यूज कर लेता हूँ सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आप लोगों को पता है सेट टाइम आउट खुद एक फंक्शन को लेता है एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा किसको, रिजॉल्व को, ठीक है? रिजॉल्व, और यहाँ पे मैं रिजॉल्व को कॉल कर दूंगा, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या, एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ। और फंक्शन जो टाइम नहीं लगाया मैंने, टाइम वैसे लगाने की जरूरत भी नहीं, अगर टाइम नहीं ना भी लगाऊं तो फिर भी चल जाएगा, मैं टाइम लगाता ही नहीं, ठीक है ना? अब इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे मैं काम ये करूंगा कि इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कट, और आई थिंक इसके बाद मुझे ये ब्रैकेट लगानी चाहिए। अच्छा जी, नहीं ये ब्रैकेट नहीं चलेगी, इसके बगैर ही चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे
अब नेक्स्ट वर्किंग इसमें क्या है जी? अब नेक्स्ट इसमें वर्किंग ये हो रही है कि अब मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ और दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या होगा, मैंने एक और फंक्शन बनाया और दूसरा फंक्शन मैं बना देता हूँ जी लॉग इन के नाम से, और ये मैंने फंक्शन इधर बना दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लॉग इन मैंने लिख दिया, और इसमें भी यहाँ पे मैं कोई मैसेज पास कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऐड, ये ऐड के नाम से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, और नीचे अब हम काम ये करेंगे कि इसको मैं अब यूज करूंगा यहाँ पे, अब सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा ऐड, अब ऐड क्यों कहूंगा कि सबसे पहले ऐड ने यहाँ पे क्या करना है, ऐड ने चलना है, अब ऐड जब एग्जीक्यूट होगा तो ऐड के बाद क्या होना है डॉट देन, और फिर क्या करना है उसने, डॉट देन के बाद कौन सा फंक्शन चलेगा, डॉट देन के बाद लॉगिन चलेगा, सबसे पहले कौन सा चलेगा ऐड, और ऐड के बाद क्या चलेगा लॉगिन। अब मैं पता है क्या क्या, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं प्रॉमिस यूज कर रहा हूँ, प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं ये कह रहा हूँ ऐड को कह रहा हूँ पहले आपने चलना है, जब आप एग्जीक्यूट हो जाए तो आपने अपने बाद दूसरे को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉगिन के बाद मैं ये ब्रैकेट नहीं लगा रहा, वजह क्योंकि लॉगिन को किसने चलाना है, डॉट देन ने लगाना है, चलाना है, और देन खुद एक जो है वो एक मेथड है यहाँ पे इसको कहेंगे, ठीक है ना, और ये पैरामीटर लेता है एज अ फंक्शन, ये पता है क्या होता है, जो देन है ना ये एक पैरामीटर लेता है, ठीक है ना। तो ये जो पैरामीटर था इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, इस पैरामीटर की जगह मैंने फंक्शन लिख दिया और मैंने वो लॉगिन का लिख दिया, क्योंकि फंक्शन पहले इधर एक्सप्लेन है किया हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है और उसको मैंने इधर कॉल कर दिया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं चलाऊं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मेरे पास उसने एरर कुछ दे दिया है, लेकिन देखिए एरर क्या आ रहा है। पर आपने रिजॉल्व लिखा, लेकिन यहाँ पर आपने दूसरे जो लॉगिन वाला फंक्शन वहां पर रिजेक्शन नहीं लिखा, वो क्या वो नहीं करते क्या? अगर आप ये कहते हैं ना कि रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर रिजॉल्व नहीं होता तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि अगर सबसे पहले ये चले, अगर ये नहीं चलता तो उसके बाद फिर क्या चले, मतलब पहले ऐड को कहा आपने चलना है, उसके बाद क्या कहा फिर किसको ने चलना है, अगर लॉगिन नहीं चलता तो यहाँ पे कैच यूज करो, फिर कैच क्या है, कैच खुद एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और यहाँ पे वो कुछ एरर थ्रो करेगा, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं एक मैसेज पास कर दूंगा एरर के नाम से, और फिर यहाँ पे ये है कि पता है क्या बात है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ ना, एक बात ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे, ये कहता हूँ कि नादिया आपने पहले ये करना है, आपने अपना काम करना है, अपना काम करने के बाद उनका करवाना है, ठीक है ना। हाँ अगर ये है कि आप उनका नहीं करवाती तो आपने फिर उस सूरत में जो यहाँ पे हम एक मिसाल के तौर पर फंक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर फंक्शन ये चलता है, ये चलने के बाद इस फंक्शन को नहीं चलाता, ठीक है ना, इस फंक्शन में कोई मसला है, ये फंक्शन नहीं चलेगा, तो फिर जब नहीं चलेगा तो फिर कोई एरर तो दो ना, जब आपने कोई एरर देना है तो फिर एरर यहाँ पे उसको कैच में यूज करना है, और कैच यहाँ पे खुद एक मेथड है जो एरर को पकड़ेगा, और यहाँ पे देन जो है ये देन क्या करेगा, और देन यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, आपने जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पहले आपने खुद एग्जीक्यूट होना है उसके बाद किसी दूसरे को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सारा मैं ये हमने करना नहीं है, ये लिखकर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमने बाद में एक मेथड पढ़ना है और उस मेथड का नाम क्या है, फैच, फैच, और ये फैच क्या करता है, फैच एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है और ये काम ये करेगा कि आपको किसी भी मतलब वेबसाइट से कोई डाटा आपने उठाना है ना, आप मिसाल के तौर पर ये किसी भी जो है ना इसी के चले लाइव एग्जांपल ही ले लेते हैं, मैंने ये काम किया, यहाँ पे एक मैंने वेबसाइट का नेम लिखा, नेम क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फेक स्टोर एपीआई,
और यहाँ पे इसका पाथ ये आ रहा है, ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया इधर से, और इस पाथ को मैंने कहाँ पे पास करना है, फैच एक सिंपल सी, पहले फैच की डेफिनेशन बता दूँ। फैच एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, और ये काम ये करता है कि इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ये पाथ दिया, फैच को मैंने ये पाथ दे दिया। अब इसको मैंने ये कहा आप ये काम करो, फैच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये क्या करता है, एक एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो अब फैच को मैंने ये कहा कि आपने इस पाथ पे जाना है, और ये पाथ में क्या है, HTTP रिक्वेस्ट है। एक इस पाथ में क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, और उससे एक वेबसाइट पे गए, और उस वेबसाइट में एक यहाँ पे प्रोडक्ट की एक ऑप्शन है। जिस तरह आप यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने एक ऑफिस बॉय से कहा आप ऐसा करो, ऑफिस बॉय से कहा कि फलां रूम में जाओ या फलां बिल्डिंग में जाओ, उसमें फलां रूम होगा, उस रूम से कुछ उठा के आपने लाना है, जब आपके पास उठा के लाता है तो फिर आप उसको बताते हो, वो पूछेगा आपसे अब मैंने क्या करना है, अब मैं उठा के लाया हूँ आप बताएं अब मैंने क्या करना है, तो अब फिर आप फिर देन दोबारा फिर उसको बताते हो कि आपने क्या करना है। तो अब ये जो फैच है, फैच क्या करेगा, किसी भी वेबसाइट पे जाएगा और वहां से ये जो प्रोडक्ट के अंदर डाटा पड़ा है ये पूरा डाटा आपको उठा के देगा। जब डाटा लेकर आएगा तो ये पूछेगा कि अब क्या करना है, डॉट देन, ठीक है, और डॉट देन का मतलब अब क्या करना है। अब डॉट देन में मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ रिस्पॉन्स के नाम से, मैंने कहा जो भी रिस्पॉन्स आए उस रिस्पॉन्स को क्या करना है जी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन एक ना डाटा को स्टोर करने का एक फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का एक मतलब ये होता है कि जिस तरह एक आप ना चीजें स्टोर करते हो ना, कुछ लिखते हो तो एक तरीके का होता है, पहले से बताया गया होता है। तो जेसन जो है इस ये डाटा को स्टोर करने का एक तरीकेकार है, लिखने का एक तरीकेकार है। मिसाल के तौर पर ये मैं बता देता हूँ, ये एक जेसन में लिखा हुआ है, ये जितना भी डाटा लिखा हुआ है ना, ये किस में लिखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, लेकिन दोनों साइड पे कोटेशन लगी हुई है इसमें। जब दोनों साइड पे कोटेशन लगा देते हो तो ये एक जेसन फॉर्मेट में आ जाता है, किस में आ जाता है, एक जेसन फॉर्मेट में आ जाता है। तो आप यहाँ पे हमने क्या कहा उससे कि काम ये करो, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक सर्वर रिक्वेस्ट है उस पे जाओ, और स्लैश होती है पाथ के लिए, इस स्लैश का मतलब होता है डबल स्लैश, यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे उसके बाद इस पाथ पे जाओ, इस पाथ पे जाने के बाद फिर कहाँ पे जाओ, इस वेबसाइट पे जाने के बाद उस वेबसाइट में एक प्रोडक्ट पड़ी है, ये एक एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे जाओ, और वो फिर उससे उसने यहाँ पे कहा कि फिर क्या करना है, आपने फिर उसको बता रहे हो कि फिर क्या करना है, आपने जो भी इधर से रिजल्ट आपको मिले उस रिजल्ट का क्या करना है, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। उसने कहा जेसन फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो गया, आप बताओ क्या करना है, आपने कहा फिर ऐसा करो उसका डॉट देन कर दो, फिर क्या करना है जी, डॉट देन में फिर एक रिजल्ट का हम पैरामीटर ले लेते हैं। ये रिस्पॉन्स और रिजल्ट जो है ना ये मैं खुद लिख रहा हूँ, आप इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ये कन्वेंशन है, इसकी समझ आ रही है, ये वर्डिंग वो है जो हमें एक बता रही है, एक मीनिंगफुल वर्ड है जो हमें हमारे काम को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये काम में क्या क्या हो रहा है, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने क्या करना है, मैंने इसको कहा जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो, और उसमें क्या दे दो, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इधर दे दो। हाँ उसने कहा कि अगर मैं एक और भी बात उसको बता देता हूँ, अब इस बात को अगर मैं दोबारा समझाऊं तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आपने किसी ऑफिस बॉय को भेजा जी आप फलां बिल्डिंग में जाओ, वहां पे एक साहब होंगे उनसे मिल के आना है, तो अगर अब वहां यहाँ पे आपने साथ में ये भी बता दिया कि ये अगर वो साहब ना बैठे हो तो ये ऐसा ना हो कि ये वापस आ जाए, आप उसको बता रहे हो कि भाई देखो वहां पे आपने रुकना है, ठीक है ना, वेट करना है, जब तक वो नहीं आते तब तक उनसे वो वहां पे वेट करो, तो वो वेटिंग की बात भी बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे,
ठीक है ना। हाँ अगर जो आपको जो भी मैसेज देते हैं वो मैसेज आपने लेकर आना है, तो ये सारी वर्किंग वही हो रही है, फैक्स से सारा काम आप वही करवा रहे हो। हाँ अगर फैक्स आपको कहता है कि नेट नहीं चल रहा था या कोई भी मसला हो गया जिसकी वजह से उसको रिजल्ट ना नहीं मिला रिजल्ट, तो फिर उसने कुछ ना कुछ तो मैसेज आपको देना है ना, तो जो भी मैसेज देगा उस मैसेज को एरर की सूरत में आएगा, तो जब एरर की सूरत में आएगा तो फिर आप कैच यूज करें, और कैच में कैच खुद एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एरर, एक पैरामीटर पास करेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एरर पास कर देता हूँ वही एरर। आप ये पूरा हमने एक साइकिल इसका मेंशन कर दिया। आप अगर मैं कंसोल करूँ ना इसको, तब आप रिजल्ट खुद देखिएगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ भी ये चल रहा है ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रिजॉल्व का कुछ और कह रहा है ना, रिजॉल्व इज नॉट अ डिफाइंड। एक दफा मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, वो कह रहा है उसको आपने डिफाइन नहीं किया। आप यहाँ पे जाए इधर, आप इधर जाए इधर, रिजल्ट देखें आपके पास क्या रिजल्ट आया। ओके एक पूरी उसने जितनी भी प्रोडक्ट उस पाथ पे आई है ना, जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी थी उस पाथ पे, उसने सारी प्रोडक्ट उठा के आपको इधर दे दी है। और फैच एक ऐसा मेथड है जिसको आपने बार बार यूज करना है। अब इसका मैं अभी एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ यूज क्यों करना है। देखो कोई भी एक लाइव वेबसाइट बनाई जाती है ना, तो उस लाइव वेबसाइट का जो डाटा होता है ना, वो पहले डाटा बनाने के बाद उसको वेबसाइट पे रखा जाता है, और उसको एपीआई की सूरत में रखा जाता है। किसकी सूरत में रखा जाता है, एपीआई की सूरत में। तो ये एक एपीआई का पाथ है, तो उस पाथ को अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डाटा जो है ना, आप अपने पास ये डाटा अपनी वेबसाइट पे नहीं रख सकते, उस वेबसाइट पे लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसा करते हो फिर एपीआई जो है ना वो अलग-अलग डिप्लॉय कर देते हो ऑनलाइन। जब डिप्लॉय कर देते हो तो फिर उससे डाटा फेच करते हो, उससे डाटा गेट करते हो। तो डाटा गेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फेच यूज करेंगे। एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें आप लोग देखें जरा, ये कुछ कपड़ों के बारे में ये ई कॉमर्स का डिटेल है, ये 20 प्रोडक्ट का डाटा है। तो अब ये इतना सारा डाटा हम ना तो अब अपने पास वेबसाइट में रखेंगे, यहाँ पे आप देखें ना प्राइस डिस्क्रिप्शन इमेज रेटिंग ये सब कुछ इसमें बताया हुआ तो ये सारी जो हमने बाद में वर्किंग करनी है ना, अभी मैं आप लोगों को उसकी जस्ट एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो फैच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और कुछ भूल जाए जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली सी जो चीजें होंगी, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए फैच। हाँ जी, तो फैच में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देन क्या है यहाँ पे, देन एक जो है उसमें प्रॉमिस है, ठीक है। फिर देन क्या है, फिर यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये भी मेथड है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देन आप जितनी दफा मर्जी चाहे आप लगा सकते हैं, देन आप जितनी दफा मर्जी चाहे आप लगा सकते हैं। हाँ एक बार आपने कहा सर ये देन देन बार बार लगाने से मैं थक गया हूँ, ये मुझे नहीं अब लगाना, ये इसके अलावा कोई और सोल्यूशन बता दें कि जो देन की जगह मैं यूज करूं, ठीक है ना। तो फिर मैं ये कहता हूं कि ऐसा करें जनाब, आप ना ये जो फैच लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये करें इसको लेट किया, ठीक है। जब लेट करेंगे तो लेट करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड करो, ये ऐड एक वेरिएबल ले लो, या यहाँ पे ये ऐड मैंने एक वेरिएबल कर दिया, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं एक फंक्शन बनाता, फिर मैं ये करता हूँ आपने ये काम नहीं करना ना, तो जनाब आप इसको एक दफा इधर करो, एक फंक्शन लिखो एरो फंक्शन, पता है ना किस तरह लिखते हैं। मैंने लेट लिखा और इसमें मैंने रिजल्ट लिख दिया, और रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम गए, यहाँ पे गए, ये लिखेंगे, ये एक मैंने रिजल्ट लिख दिया। अब हमने इसमें क्या करना है देखें जी, देन पहली बात ये होती है प्रॉमिस, जब भी कोई रिटर्न करना हो तो तब आप देन यूज करते हो। जब आप चाहते हो कि देन यूज नहीं करना, इसकी जगह कुछ और यूज करना है, कोई जो काम को आसान करे, तो फिर हम क्या करते होते हैं, अब मैं वो स्टेप बताने लगा हूं, ठीक है ना।
प्रॉब्लम नहीं है, आप देन भी यूज कर सकते हो, जो बताऊंगा अभी ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करूंगा, मैंने किया लेट आर ई एस इज इक्वल टू, ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ था, नीचे नाम मैंने चेंज कर दिया, आर ई एस इज इक्वल टू, ये मैंने क्या लिखा जी, इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया नीचे, ठीक है जी। जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो फिर मैं दोबारा यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट, और लेट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट मैंने यहाँ पे लिखा डाटा इज इक्वल टू, ऊपर से रिस्पॉन्स जो भी आता है, इस फैच से जो भी रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स का क्या करना है, उसको डॉट जेसन में करो, जब जेसन में कर देते हो तो यहाँ पे इसको ओके कर दो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर दो, उस डाटा को यहाँ पे लिख दो। और अब आप ना असिंक लिखो इसको, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे असिंक यहाँ पे यूज नहीं करना, असिंक कंट्रोल एक्स किया यहाँ पे यूज करना है इस फंक्शन के साथ, और यहाँ पे इसके साथ क्या यूज करना है, अवेट, ये लें जी, दूसरा तरीके का ये है, देन ना लगाओ, नहीं लगाना तो असिंक वेट, ओके गुड क्वेश्चन। अवेट मैंने इसलिए यह कहा कि देखो जी नेटवर्क स्लो था, वही बात जो पहले बता रहा था कि किसी आपने ऑफिस बॉय से कहा कि फलां साहब से मिलने जाना है, और जब वो कहता है कि साहब है ही नहीं जी, वो वापस भाग के आ जाता है, तो मामला तो जवाब तो कोई ना मिला ना, हम ये कहते हैं कि जब तक वो साहब नहीं भी अपनी चेयर पे बैठे, कहीं गए हुए हैं, आपने वेट करना है, तो यहाँ पे इस बात का मतलब इधर, अवेट का मतलब इधर ये है कि अगर नेटवर्क स्लो है तो वेट करो, रिक्वेस्ट को क्रैश रिजेक्ट नहीं करना, वेट करो, वेटिंग पे लगा देना उसको, ठीक है ना, ये हम एसिंक्रोनस बना रहे हैं, हमने पढ़ा था ना एसिंक्रोनस पढ़ा था, ए मतलब एसिंक्रोनस पढ़ा था, तो ये वो सीन है, हम ये पूरे फंक्शन को एसिंक्रोनस बना रहे हैं, जब हमने उसको एसिंक्रोनस बना दिया तो नीचे वेटिंग पे लगा दिया है कि जब तक डाटा जो है नहीं आता तब तक ये फंक्शन जो है कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ अगर यहाँ पे ये है कि ये फंक्शन जो है उसमें आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, आपको कुछ एरर आता है, यहाँ पे भी एक और सीन, अगर कोई एरर आता है तो फिर एरर का क्या करना है, हाँ एरर आता है तो इस पूरे को कट करो यहाँ से, और जब इसको कट करेंगे तो कट करके यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे ट्राई, और ट्राई के अंदर ये यूज कर लेंगे, और नीचे कैच में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एरर लिख लेंगे, ये लें जी, हाँ मैंने ट्राई कैच भी लगा दिया इसमें, हाँ एरर जी हाँ के जी ये एरर के लिए, ट्राई करो, अगर ये ट्राई होता है तो ठीक, अगर नहीं तो एरर दे दो, ये लास्ट स्टेप था प्रॉमिसेस में, और प्रॉमिसेस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आपका आपने कोड सारा ठीक लिखा है लेकिन आपने असिंक वेट नहीं लगाया ना, तो आपको इतने को एरर मिलेंगे कि बहुत ज्यादा एरर, ठीक है ना, जब आप कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हो ना, एक बात मैं सॉरी अब यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट की बात बता रहा था, जब भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हो ना तो तब आपको सिंक वेट यूज करना पड़ेगा, आपका शायद ये सवाल हो कि असिंक वेट का कब यूज करना है, असिंक वेट हमने तब तब यूज करना है जब जब हम कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट का मतलब ये कि सर्वर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं अब हम नहीं यूज करेंगे, तो वो खत्म हुई बात, प्रोफेशनली आपने किया ना, आपने वो गलत किया, किया नहीं उसको यूज नहीं करना ना, आप ये यूज करें जो
एक प्रोफेशनली तरीके का आ रहा है ना, मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना, ट्राई कैच भी बता दिया, सिंक वेट भी बता दिया, लेकिन घबराना नहीं है। आज के लेक्चर में अगर 100 में से 50% समझ आ गई है ना, समझो गुड है, ठीक है ना। ये हम बार बार करेंगे, लेकिन एक दफा अपने लैपटॉप पे इसको लिखो, ये याद ऐसे नहीं होना, दिमाग में याद नहीं होना, लिखने से ये याद होगा। लिखें सारे लोग, पहले आप लोगों ने, पहले ना ऊपर ऊपर वाला करना है, पहले आप लोगों ने ये ऊपर वाला करना है, पहले ये वाला करना है, ये वाला, पहले ये वाला चलाओ, कंसोल पे चेक करो, रिजल्ट देखो, लिखो शाबाश। लिखेंगे तो लिखने से प्रैक्टिस होगी, ऐसे जबानी कलाम में ये याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। प्लीज टेक छोड़ के बैठे, ये पहले करें सारे लोग, ईमानदारी से करें। पहले ऊपर वाला करें, बाद में नीचे वाला करना है। हाँ जी, नेट नहीं चल रहा, किसी का भी नहीं चल रहा। अपने पास कोड तो लिख लेना, ठीक ठीक हमारा जो कल का लेक्चर होगा ना, कल हम जावास्क्रिप्ट का मैं कल कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगा, और नया टॉपिक भी मैं कल मैं पढ़ा दूंगा। और जो परसों होगा, परसों मैं जो है उसमें देखूंगा कि अगर इसमें कुछ चीजें हैं मजीद भी डिस्कस करने वाली तो करवा दूंगा, नहीं तो परसों से आप लोगों का मैंने रिएक्ट स्टार्ट करवा देना है। और जो छुट्टी करेगा ना परसों के लेक्चर में, तो उसके बाद मैंने सेटअप नहीं करवाना, क्योंकि रिएक्ट में सबसे मेन चीज सेटअप है, और जिसने सेटअप में ही मसला खराब कर दिया तो समझो उसके बाद मसले खराब ही खराब चल गए, ठीक है ना। तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी प्लीज, ठीक है ना। मेहरबानी आप लोगों की, जितना भी कोई जरूरी काम हो क्लास ज्वाइन कर लें पहले, ठीक है ना, क्लास के बाद भी वो करेंगे जो भी है।
और आपकी क्लास में बाकी रही बात पीएचपी की, रह गई बात MySQL की, रह गई बात अगर वो बीच में ऐड करना है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट को फिर कंसेप्ट एक दफा वो सारे भूल जाएंगे, बिल्कुल तो वो आपकी मर्जी है। आप लोग ये ना कहेंगे सर ने करवाया नहीं है, मैं करवा दूंगा, लेकिन जो एक आप लोगों का एक सही एक स्टेप बाय स्टेप जो एक चेन चल रही है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करवा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सारी नहीं करवाई, उसमें मैंने जस्ट एक ना कुछ बेसिक चीजें बता दी हैं, बाकी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मैंने रिएक्ट के साथ करवानी है। वो क्यों? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं ना, तो क्लास में 100% समझ नहीं आई होगी किसी को भी, तो जब तक इसका यूज केस साथ साथ यूआई पे नहीं दिखाऊंगा ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जो जरूरी फंडामेंटल जो चीजें थी वो मैंने पढ़ा दी हैं, लेकिन कल फिर भी मैं उसको चीजों को कुछ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना? कल एक दफा पुराना जो पहले हमने पढ़ा सारा उसको 15-20 मिनट में ओवरव्यू हम कर लेंगे, और उसके बाद हम जो नए टॉपिक पढ़ने होंगे वो पढ़ लेंगे। अगर वो देखते हैं कि वो नए टॉपिक भी टाइमली कवर हो गए हैं, तो फिर उसके बाद शायद हम कल स्टार्ट कर दें रिएक्ट। और रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए कम से कम रैम जो है वो 8 GB होनी चाहिए, और जो आपका लैपटॉप है ना वो 5 या 6 7 जनरेशन होना चाहिए, 2 3 जनरेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। वो हाँ जी उसमें ना अच्छा और नोट सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और आपकी क्लास जो होगी वो कल या कल की तो नहीं, परसों वाली जो क्लास होगी आप लोगों की वो 8th फ्लोर पे होगी, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे नेट का इतना इशू नहीं होता, ज्यादा इशू होता है। फिर 1st फ्लोर पे कर लें। वन ईयर वाले करेंगे, पाइथन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पाइथन जो है वो मैं 6 मंथ तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो होगा वो कोई और पढ़ाएंगे। मतलब मीन एंड मर्न का पार्ट मैंने पढ़ाना है, पाइथन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि वो मैं पढ़ाता ही नहीं, वो भी नहीं मैं पढ़ाता, वो भी कोई और पढ़ाएगा। वो 1 ईयर में है, इमरान शरीफ साहब। हाँ जी, पीएचपी में सिंपल सा क्रड करवाना है उसमें, वो इतना लेंथी है भी नहीं उसका। हाँ
अच्छा, कल आप लोगों का शायद कुछ सरप्राइज टेस्ट भी हो जाए जावास्क्रिप्ट का। आज टेस्ट वैसे मैंने आज लेना था, तो नहीं, परसों मैंने दिया था पढ़ाने। कल कल ना रिवीजन भी कल ही होगी, टेस्ट भी कल ही होगा, टेस्ट भी कल ही होगा। हाँ, लेक्चर जो है ना वो बात सुने, आप ऐसा करें, एक लड़का बैठा होगा एडमिशन मीटिंग रूम में, स्टाफ रूम में, अवैस नाम के अवैस होगा उसका नाम, उसको बुला के लाए, रिकॉर्डिंग अभी ले लेते हैं हम इधर से। हाँ जी, वो उसके जो भी ब्रेक पॉइंट अब तब वो नहीं शो होगा। डिस्प्ले नन का आप लोगों को बताया नहीं है? बताया होगा ना, आप उसको यूज नहीं किया आपने ना। लेकिन अगर ये है ना, उसमें ये डिस्प्ले नन जो होता है ना, वो मोस्ट मतलब मुख्तलिफ जगहों पे यूज हो सकता है। कि अगर मैंने एक इमेज एक ब्रेक पॉइंट पे दिखानी है, एक पे नहीं दिखानी, ठीक है ना, तो अगर किस पे नहीं दिखानी, मुझे मुझे 720 पे नहीं दिखानी, तो मैं सीएसएस में जाकर ना उसकी जो क्लास होगी इमेज को, उसके यहाँ पे मैं लिख दूंगा विड्थ, जब आएगा 720 आए तब उसको डिस्प्ले रन कर दो। हाँ जी, विड्थ बताओगे ना, ऐसे उसको कैसे पता चलेगा कि कब उसको डिस्प्ले रन करना है? आप हॉवर पे डिस्प्ले रन करना चाह रहे हो, हॉवर पे डिस्प्ले रन करो। आप चाह रहे हो कि पहले डिस्प्ले रन है, जब मैं हॉवर करूँ तब विजिबल हो, तो हॉवर पे उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। हाँ जी मिस, ठीक है, ओके। हाँ जी, 1 बजे आएंगे। तो खैर, असाइनमेंट मैंने दी थी ना, कितने लोगों ने सबमिट करवाई है? क्यों? अब उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, संडे को आपकी तरफ नहीं होता तो दूसरों की तरफ तो होता होगा ना। थोड़ी देर के लिए तो
तो आप दूसरे गांव चले जाया करें जहां सिग्नल आते हैं। वो मेरे घर से केवल 15 किलोमीटर पर तो आगे पीछे आप क्या करते हैं? आगे पीछे ड्यूटी। तो बाकी भी लोग भी ड्यूटी भी करते हैं, साथ साथ काम भी करते हैं। हाँ जी अच्छा, कल सारा ना आप लोगों ने रिवाइज करके आना है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? कौन सा? आज वाला तो इम्पोर्टेंट है, आज वाला तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए एक कितनी देर के लिए? कितने देर के लिए? करना वैसे आपने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई, आप दोनों ने नहीं करवाई? तो क्या करना है अभी? थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दो और थोड़ा सर। आप बहुत अच्छे माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप दुआ ऐसे देने लगा जैसे दरबार पे बैठा है कहीं। आप बहुत अच्छे हैं यार, बस ऐसे। उसने कहा था अच्छा, लेक्चर 10 में यहाँ पे किसमें काम दिया था मैंने? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। रात 12 बजे तक सर कोडिंग सेंड कर सकते हो आपको? ठीक है अभी जो कोड लिखा है ये मैं सेंड कर देता सर। हूँ, लेक्चर की बात आज कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना? रात को पता क्या हुआ, रात को मैं ना एक क्लास को पढ़ा रहा था, तो बहुत इम्पोर्टेंट सेटअप था सारा, मैंने करवा दिया, बाद में देखा रिकॉर्डिंग नहीं है, वो जाकर मैंने स्टाफ रूम में जाकर वो सारे खड़े तप गए। फिर उन्होंने कहा कि अब इनका क्या करना है, वो मुश्किल से रिजॉल्व कर दिया था उनको। आप लोग बड़ी कूल डाउन, आपकी क्लास है, बाकी क्लासेस कूल डाउन नहीं है। आपकी क्लास बहुत अच्छी है ना। नहीं, आप नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकता, नहीं, आपने इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, क्या क्योंकि मैंने रिएक्ट पढ़ाना है, तो आपने ये ऑनलाइन में काम नहीं होगा, तो सर? अगर समझ ना आई तो तो इनसे पूछ लेंगे। हाँ सही बात है, ये भी सही है ना। हाँ सर ठीक है, ओके। मैंने चेंज ही कर दिया यार, एक मिनट मैं कोड शेयर कर लूँ। ओके सर, ठीक। अभी 1 मिनट रुक जाए, मैं जरा ये क्लास शेयर कर लूँ। आपके पास 2-3 एप्लीकेशन है ना चाहिए? अडोबी की जी, USP है मेरे पास, इसमें पड़ी है।
तो वो आप ऐसा, स्टेशन है वो, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, वो IT2 में जाओ, उनसे कह दो, दे देंगे जो जो, हाँ दे देंगे जो भी चाहिए। यार वो जहाँ से कार्ड वगैरह नहीं आप लेते, वो उधर वो रूम उसके साथ आगे वाला रूम है। आज का 15 जनवरी, अच्छा आपने जाना है, कौन सा है, ये वाला? हाँ नहीं, ये वाला हाँ, इसको लगा रहने दे दे। अच्छा हाँ जी भाई, अब मगर क्लास में सोए हुए थे आज।